Okay, good afternoon. Be attentive. Straight. Sit straight, look straight. Hands on the bench. So let us start with the effect of changes in supply, or you can say shifts in supply curve on equilibrium price and equilibrium quantity. In the previous chapter, we discussed, jab demand mein changes aate hain, to equilibrium price or equilibrium quantity ke upar kya effect padta hai. Ab market dono cheezon se banti hai, price dono se determine hota hai, demand se bhi aur supply se bhi. To supply also keeps on changing. Supply mein increase, supply mein decrease. Increase in supply means more is supplied at the same price. What would lead to increase in supply? Anyone? बेटे इंक्रीज का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है. मैंने कहा व्हेन मोर इज सप्लाइड एट सेम प्राइस. सो व्हेन वुड यू सप्लाई मोर एट सेम प्राइस? अरे ऑल रॉन्ग. इसी टर्म में आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा है. नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, मोर विल बी सप्लाइड एट सेम प्राइस और नॉट. टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, मोर अदर फैक्टर्स ही मैं डिस्कस कर रही हूं. बच्चे टेल मी, what other factors lead to increase in supply? Relative goods में से किसका good? Substitute का कि complementary का? चलो ठीक है. So all of these factors or any of these factors will lead to increase in supply. जब डिमांड रिमेनिंग सेम, क्वाइट प्लीज, डिमांड रिमेनिंग सेम, जब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? ये जपेश, खुशी, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू लिसनिंग? स्टैंड अप. व्हाट वुड लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई? बस सुन लिया आप, मैं को समझ आ रहा है आपने कितना सुना. एक बेंच पीछे जाके बैठ जाओ. डिमांड का मैंने नाम लिया, सो देयर आर टू केसेस वी विल डिस्कस हियर. वन इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड अनदर इज डिक्रीज इन सप्लाई. बनाएंगे मेरे साथ साथ. With increase, okay, market is in equilibrium at point E. ये market है X commodity की. Demand curve DD, supply curve SS. दोनों कहां पे intersect कर रहे हैं? E पर. तो E हमारा क्या हुआ? Equilibrium. Corresponding to equilibrium, E, OM is the equilibrium quantity. OP is the equilibrium price. Now, what happens? Number of firms badh gayi? Yeah, technology mein improvement aayi? Yeah, substitute good ka price badh gaya. So, given commodity ki supply
supply curve will shift towards new supply curve is bolo S1. Now equilibrium is attained at point E1. Corresponding to E1, equilibrium quantity OM1, equilibrium price OP1. यानी अब इसको एनालाइज करो सिचुएशन को. अभी तो हमने इसको डायग्रामेटिकली सिर्फ देखा कि सप्लाई इंक्रीज हुई, नया इक्विलिब्रियम आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया. इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? डिक्रीज हुआ. यस, अब इसको लॉजिकली समझो. जब भी मार्केट में एक कोई मोबाइल फोन्स ले लो, जब मोबाइल फोन्स नए नए आए थे, दे यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव. 30,000 का एक सेट मिलता था, उससे कम कोई सेट होता नहीं था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मोबाइल्स इंक्रीज्ड. टुडे देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन्स, एज अ रिजल्ट उनके प्राइसेस कम हुए कि नहीं हुए? यस, ठीक है. सो जब भी मार्केट में किसी भी चीज की सप्लाई इंक्रीज होती है, उसका इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? प्राइसेस डिक्रीज होते हैं. क्वांटिटी, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है बेटे, क्वांटिटी बढ़नी है. नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना. यस, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड, बोथ विल इंक्रीज. तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ सुनेंगे, आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी, बुलेट्स में लिखनी है. मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओएम इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. S1 is the new supply curve. Third bullet. S1 intersects demand curve DD at point corresponding to E1. OM1 is the equilibrium and OP1 is the equilibrium price. Thus, with increase in supply, equilibrium price and equilibrium quantity. ठीक है बेटे, जितनी बारी हम ये डायग्राम करेंगे उतनी बारी मैं एक्सप्लेनेशन बोलूंगी, आप लिखने की कोशिश मत करिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी. गॉट इट? सेकेंड, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑन मार्केट. अगर कमोडिटी का सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, इन व्हाट सिचुएशंस वुड सप्लाई डिक्रीज? नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाए. अभी लॉकडाउन लगा था, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे कर्व लगा दिया, सप्लाई कम हो गई या नहीं? प्रोड्यूसर्स ने इसलिए तो नहीं प्रोडक्शन कम कर दी कि भी प्राइस कम हो रहे हैं, क्योंकि लेबर नहीं है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए. ड्यू टू एनी ऑफ दीज फैक्टर्स सप्लाई में डिक्रीज. तो जब 2020 में सप्लाई डिक्रीज हुई तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये डीडी एसएस. मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई ओएम इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओपी इज इक्विलिब्रियम. नाउ देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी.
इनपुट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिस चीज का एक्स बनता है, जो इनपुट है इसका, उसके प्राइसेस बढ़ गए, एज ए रिजल्ट इसकी प्रोडक्शन कम हो गई, इसकी सप्लाई भी कम हो गई, सप्लाई का शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू सप्लाई का इंटरसेक्ट डिमांड का एट E1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मुझे बताओ लॉकडाउन में सपोजिंग कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कम हुई तो उसकी मार्केट में क्वांटिटी भी कम हुई और उसके प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग। सपोज आप घर बना रहे थे फरवरी जनवरी या दिसंबर 2019 में, आपने सीमेंट की बोरी 300 की ली, जून 22 में फरवरी में सॉरी जून 2020 में वही सीमेंट की बोरी 400 की मिल रही है, क्यों, सप्लाई कम हो गई लॉकडाउन के करके, यस, और प्राइसेस बढ़ने लगी, ठीक है। सो क्या इंपैक्ट पड़ा, डिक्रीज इन सप्लाई का, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शन राइट डाउन एक्सेप्शनल केसेस, आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं घर बैठ के, इधर एनीवन हैविंग एनी डाउट, और द थ्री स्टूडेंट्स ओनली, गर्व हैज आल्सो लेफ्ट द क्लास, ओके, एक्सेप्शनल केसेस नंबर वन, व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, सो डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई कर्व कैसा होगा, नॉर्मल, नॉर्मल कैसा होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड, दिस इज डिमांड कर्व, SS इज द सप्लाई कर्व, मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, कॉरेस्पॉन्डिंग टू E, OM इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी and OP is equilibrium price. Now, if supply decreases, supply curve shifts towards right. Increases, bete. Right. New supply curve. Intersects demand curve at. ठीक है? Corresponding to E1 equilibrium quantity, equilibrium price remains the same. ठीक है? यानी जब demand curve perfectly elastic है और supply increase होती है, equilibrium price same रहेगा. What happens if there is decrease in supply? सबसे पहले supply curve will shift towards new supply curve. Sorry, new equilibrium. E2 equilibrium quantity. OM2 equilibrium price.
ठीक राइट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स पूर्वी आस्था अनन्या सेकेंड केस सेकेंड एक्सेप्शनल केस व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होगा हाँ स्ट्रेट लाइन इसको नाम दे दो डीएम सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड इक्विलिब्रियम OM equilibrium quantity, OP equilibrium price. Supply increases. Supply curve shifts towards new supply curve. Equilibrium. Equilibrium quantity, equilibrium price. Supply decreases, supply curve shifts towards left, new equilibrium, equilibrium quantity, equilibrium price. So, batao, jab डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है मतलब प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड सेम रहती है बढ़ती कम होती नहीं है जैसे नेसेसिटीज का केस होता है उस केस में सप्लाई के इंक्रीज होने से क्वांटिटी रिमेन क्योंकि इनइलास्टिक है डिमांड इनइलास्टिक है तो नहीं बढ़ेगी सेम रहेगी लेकिन प्राइस डिक्रीज हो जाए जब डिमांड इंक्रीज हो सॉरी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे और जब सप्लाई डिक्रीज होगी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम Okay. So far we have discussed market में price कैसे determine होता है पता चल गया आपको See, this is such an important topic which you have studied. आज अब आपसे मैं पूछूं आज से पहले अगर मैं पूछूं बेटे gold के prices कैसे fix होते हैं चलो आज ही पूछती हूँ गोल्ड के प्राइसेस कैसे फिक्स होते हैं पता आपको गोल्ड के प्राइसेस गोल्ड की डिमांड और गोल्ड की सप्लाई के ऊपर फिक्स होते हैं जहां पर गोल्ड की डिमांड गोल्ड की सप्लाई के बराबर हो जाती है वो प्राइस मार्केट में गोल्ड का डिटरमाइन होता है डॉलर का प्राइस कैसे फिक्स होता है डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डॉलर का प्राइस बनता है वही मार्केट में फिक्स होता है शेयर्स का प्राइसेस आज टाटा के शेयर्स बढ़ गए
क्यों बढ़े? टाटा के शेयर के प्राइसेस फिक्स कैसे होते हैं? टाटा के शेयर्स की डिमांड टाटा के शेयर्स के सप्लाई के इक्वल जब होती, जब लोगों को पता चला कि टाटा ने इंडियन एयर इंडिया खरीद लिया, उसकी डिमांड बढ़ गई शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट क्यों करते हैं? डिमांड या सप्लाई में चेंज आया, डिमांड का राइट को शिफ्ट किया, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हैव यू एवर हर्ड फेस्टिवल सीजन में, मैरिज सीजन में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं? क्यों बढ़ते? आज से पहले पता था? सम ऑफ यू माइट बी अवेयर, मैं नहीं कह रही कि नहीं पता, बट देन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स बींग स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो ऑफ, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, हाउ डू प्राइसेस चेंज फ्लक्चुएट। दिस इज कमोडिटी मार्केट, वी हैव डिस्कस्ड। इसमें आप गोल्ड का डिमांड कर्व डाल दो, गोल्ड का सप्लाई कर्व आ जाए, डाल दो, गोल्ड का प्राइस आ जाएगा। सिमिलरली देयर इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो किसी भी फॉरेन करेंसी का प्राइस देखना है, यूएस डॉलर का देखना है, तो यूएस डॉलर का डिमांड कर्व, यूएस डॉलर का सप्लाई कर्व। बहुत अच्छी बात है दीपक एंड पूरब, वेरी गुड। आपके वीडियो ऑफ नहीं है, ठीक है?